हाय, दिस इज़ मनीषा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज मैं फिर से आ चुकी हूँ आप सभी के बीच एक न्यू जॉब अपडेट लेकर, जो कि डायरेक्टली निकल के आ रही है आपको IB यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से। अगर हिंदी में बोला जाए तो खुफिया विभाग, आपका जो भारत का खुफिया विभाग है उसके तरफ से ये वैकेंसी निकल के आई है। ऑल इंडिया की वैकेंसी रहने वाली है आपको जूनियर इंटेलिजेंट ऑफिसर की पोस्ट के लिए। तो आगे इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग हम लोग डिटेल्स में बात करने वाले हैं कि इस पोस्ट के लिए आपको सिलेक्शन की प्रोसेस क्या रहेगी, पोस्ट डिटेल्स क्या होगा, एज लिमिट क्या रहने वाला है, और आपको जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपको अच्छे से सारा कुछ समझाऊंगी। सो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पहले भी बताया मैंने कि ये वैकेंसी जो निकली है वो IB की तरफ से यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से निकली, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है। सो इसमें आपको जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर की आपको पोस्ट आई है, वैकेंसी आई है। इसमें आपको टोटल नंबर सीट्स जो है वो 797 सीट्स के लिए ये वैकेंसी आई है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इस फॉर्म के लिए इम्पॉर्टेंट डेट्स क्या होने वाला है। सो इसके लिए जो फ्रेंड्स आपका डेट रहेगा वो अप्लाई करने की स्टार्टिंग डेट आपको 3 जून 2023 है और लास्ट डेट टू अप्लाई आपका 23 जून आपका रहेगा 2023। सो आपको लास्ट डेट का वेट नहीं करना है। आप सभी को पता होगा फ्रेंड कि लास्ट डेट होते होते बहुत सारा जो सर्वर इशू आने लगता है तो आपका फिर फॉर्म अप्लाई करने में दिक्कत हो जाता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप जो है वो 15 to 16 जून तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर लेना। इस फॉर्म के लिए जो आपका फ़ी रहने वाला है वो आपको जनरल, EWS और OBC के लिए आपका 500 रुपीज़ रहेगा। वहीं SC ST वाले कैंडिडेट्स के लिए आपको 450 रुपीज़ आपका चार्ज लिया जाएगा, और प्लस इसमें आपको 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा ऑल स्टूडेंट को पे करना होगा एग्ज़ाम की फ़ी। और अगर एज लिमिट की बात करूं फ्रेंड्स, तो आपका एज जो है वो कैलकुलेट होने वाला है 23 जून 2023 के अकॉर्डिंग, मतलब कि उस डेट तक आपका मिनिमम 18 ईयर्स होना चाहिए और मैक्सिमम एज आपका 27 ईयर्स होना चाहिए। इसमें आपको OBC कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाता है और SC ST के कैंडिडेट्स के लिए ये एज रिलैक्सेशन आपका 5 ईयर्स का देखने को मिल जाता है एज पर द गवर्नमेंट रूल्स। इस फॉर्म का जो सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट या फिर एक होता है ना कि डिफ़िकल्ट पार्ट, ये है कि बहुत सारे बच्चों को ये समझने में कंफ्यूजन आएगी कि इसमें दे रखा है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, बट थोड़ा सा स्ट्रीम को लेके बहुत सारे लोगों के मन में डाउट आ रहा होगा। सो चलिए मैं उस डाउट को क्लियर कर देती हूँ। जैसे कि आपने ग्रेजुएशन कर रखा है साइंस स्ट्रीम से और आपका जो सब्जेक्ट है वो फिजिक्स है, तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एकदम एलिजिबल हो। और मान लेते हैं कि आपने सब्जेक्ट में फिजिक्स नहीं ले रखा है, आपका मैथ्स है, तो भी आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल रहोगे। वैसे ही अगर आपका कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट रहेगा तो आप एलिजिबल रहोगे। देन अगर आपने ये सारे सब्जेक्ट नहीं ले रखे, आपने इलेक्ट्रॉनिक्स से ग्रेजुएशन कर रखा है, तो भी आप इस फॉर्म को भरने के लिए एकदम एलिजिबल रहोगे। सो जो भी एस्पिरेंट्स इन सारे स्ट्रीम से ग्रेजुएशन कर रखे हैं वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको पहले भी बताया है कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स 797 रहने वाला है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कैटेगरी वाइज इस सीट्स को कैसे बांटा गया है। सो आपको जनरल वाले कैंडिडेट्स के लिए आपको 325 टोटल सीट्स रहेगा। OBC के कैंडिडेट के लिए 215 सीट्स देखने को मिल जाएगा। EWS वालों के लिए 79 सीट रहेगा। SC कैंडिडेट्स के लिए 119 सीट्स टोटल रहेंगे। ST वालों को 59 सीट यहाँ पे दिया जाएगा। सो ये आपका जो है कैटेगरी वाइज मिला के आपको टोटल सीट जो है वो 797 ही देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं फ्रेंड्स सिलेक्शन की प्रोसेस के बारे में। इसमें आपको सिलेक्शन जो है वो आपको 3 मेजर स्टेज पर डिपेंड करते हैं। फर्स्ट आपका ऑनलाइन टेस्ट होता है यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट Tier 1 आपका कंडक्ट कराया जाता है। जब आप उसको क्वालिफाई कर लोगे
तब आपका सेकेंड आपका टीयर टू होता है जिसमें आपका स्किल यानी टाइपिंग टेस्ट होता है, वो भी आपको 30 मार्क्स का रहता है। जब आप स्किल टेस्ट को क्वालिफाई कर लोगे तो टीयर थर्ड में आपका इंटरव्यू या उसको बोला जाए तो पर्सनैलिटी टेस्ट लिया जाता है, वो भी फ्रेंड्स आपका 20 मार्क्स का देखने को मिलेगा। सो अब हम लोग जान लेते हैं इस एग्ज़ाम की पैटर्न को कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहने वाला है जो आपका ऑनलाइन CBT एग्ज़ाम होगा। तो उसमें आपको जो है Tier 1 में 100 क्वेश्चंस रहेंगे आपको 100 मार्क्स के, और आपका 2 आवर्स का एग्ज़ाम रहता है ये, जिसमें आपको निगेटिव मार्किंग भी रहता है 1/4, यानी कि अगर आप एक गलत करते हो तो आपका 0.25 मार्क्स एज निगेटिव मार्क्स आपका कट कर लिया जाएगा। और अगर सब्जेक्ट वाइज नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूँ तो आपको मेंटल एबिलिटी से 25 क्वेश्चंस रहेंगे, और अगर आप जिस सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन कर रखा है उस सब्जेक्ट से स्पेशली आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा 75 नंबर्स के, तो टोटल आपका 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का, और आपका 2 आवर्स का ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। Tier 2 आपका स्किल टेस्ट होगा, ये भी आपका 30 मार्क्स का होगा। Tier 3 में आपका इंटरव्यू या पर्सनैलिटी टेस्ट होगा 20 मार्क्स का। सो जब आप ये तीनों चीज़ आप क्वालिफाई कर लेते हो देन आपका एक सिंपल मेडिकल होता है प्लस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद आपकी जो ज्वाइनिंग लेटर है वो आपको मिल जाएगी। सो फ्रेंड्स ये ऑल इंडिया, इसका जो जॉब लोकेशन है वो ऑल इंडिया में आपको देखने को मिल जाएगा। और बहुत सारे एस्पिरेंट्स के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि चलो मैंने ये सारा कुछ तो समझ लिया कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, पोस्ट कितने हैं, क्वालिफिकेशन की क्या रिक्वायरमेंट है, सिलेक्शन की प्रोसेस क्या रहेगी, बट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है ना, क्यूरियोसिटी होती है एस्पिरेंट्स के मन में कि मुझे सैलरी क्या मिलेगा अगर मैं इस जॉब को क्रैक कर लूँ, ज्वाइन करूँ तो। सो फ्रेंड्स मैं आपको बता देती हूँ कि आपका जो इनहैंड सैलरी है वो आपका मिनिमम 25 to 30,000 से स्टार्टिंग होता है। फिर जैसे जैसे आप उसमें वर्क करोगे हर साल एक अच्छा खासा इंक्रीमेंट होता है, उसके बाद आपकी सैलरी जो है वो आपको अप टू 80 to 90,000 तक चला जाता है। और जैसा कि आप सभी को पता होगा कि इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आपको खुफिया एजेंसी भारत की जो है ये एक बहुत ही हाई प्रोफाइल जॉब है। बहुत सारे एस्पिरेंट्स का ये ड्रीम होता है कि मैं IB में जाके काम करूं। सो फ्रेंड्स आप सभी को अपने सपनों को सच करने का टाइम आ गया है। सो ये फॉर्म आ चुका है, आप 3 जून के बाद जल्द से जल्द इस फॉर्म को भर दो और अच्छे से इस पेपर के लिए तैयारी करो, और इस एग्ज़ाम को क्रैक करके आप अपने ड्रीम को आप एकदम ट्रू कर सकते हो। सो ये सारी बेसिक डिटेल है आपको IB की जो रिक्रूटमेंट आने वाली है जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर 2023 के लिए। सो अगर इसे समझने में आपको कोई सा भी दिक्कत आए तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगी। और अगर इसके बारे में आपको ज़्यादा डिटेल में इसके नोटिफिकेशन को जानना है तो आप इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करके इस नोटिफिकेशन को थॉरो आउट करके भी आप समझ सकते हो। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे सेट कर देना ताकि मेरी सारी न्यू जॉब अपडेट सबसे पहले आपके पास जाए, और इस वीडियो को अपने खूब सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना ताकि उन्हें भी इस ज़बरदस्त जॉब अपडेट के बारे में पता चल सके। सो मिलती हूँ आपसे फिर से किसी न्यू जॉब अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, टेक केयर।